बुखार, खांसी, गले में दर्द, बदन दर्द, स्वाद या सुगंध में कमी, उल्टी आना या सर दर्द। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखे तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को सूचित करें। इन सारे लक्षणों का साथ में होना या इनमें से किसी भी एक लक्षण का होना कोविड-19 हो सकता है। हालांकि कोविड-19 का पता RT-PCR टेस्ट के बाद ही पता लग सकता है, पर अगर आप कोविड पॉजिटिव पाए जाएं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आइए हम बताते हैं। ऐसे समय में आप खुद को दूसरों से अलग रखें, जिसे हम सेल्फ आइसोलेशन कहते हैं। ऐसे में आपको दूसरों से नहीं मिलना चाहिए, ना ही किसी सार्वजनिक स्थान पर जाना चाहिए। खुद को दूसरों से अलग करने पर आप कोरोना वायरस को लोगों के बीच फैलने से रोक सकते हैं। जब आप कोविड संक्रमण से जूझ रहे होते हैं, उस समय आप सावधानी ना बरतें तो कोरोना वायरस का फैलना आसान हो जाता है। सेल्फ आइसोलेशन से आप अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। सेल्फ आइसोलेशन के लिए खुद को हवादार कमरे में अलग करें। अगर आपके घर में दूसरा कमरा आपके लिए मौजूद नहीं है, तो किसी नज़दीकी कोविड केयर सेंटर में जाकर खुद को आइसोलेट कर लें। अपने सोने की जगह, खाने के बर्तनों को और अपने इस्तेमाल की दूसरी चीज़ों को भी अलग कर लें। जितना हो सके उतना दूसरों से संपर्क कम करें। और हाँ, डॉक्टरों की सलाह ज़रूर मानें। डॉक्टर द्वारा दी गई सभी दवाइयों को समय पर लें। इससे मामूली सरदर्द या बुखार समझ के खुद से दवाइयां ना लें। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान भी बिल्कुल ना दें और घरेलू नुस्खों को ना आजमाएं। घरेलू नुस्खों से आपको थोड़ी देर के लिए राहत जरूर मिल सकती है, पर यह वायरस खतरनाक है। अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य माने। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो फौरन डॉक्टर को बताएं। छाती में दर्द या दबाव महसूस हो रहा है तो अनदेखा ना करें। आराम करें, समय पर खाना खाएं, पर्याप्त पानी और दूसरी तरल चीजें पिएं। अगर कोई आपसे मिलने आता है, जैसे कि खाना परोसने के लिए, तो मास्क अवश्य पहने। खांसते या छींकते समय मुंह ढके। अपने शरीर का तापमान और ऑक्सीजन का स्तर समय समय पर नोट करें। अगर आपके पास ऑक्सीजन का स्तर नापने के लिए ऑक्सीमीटर नहीं है, तो अपने नज़दीकी हॉस्पिटल से उसे ले सकते हैं। पर फिर भी अगर ऑक्सीमीटर नहीं मिले तो अपने शरीर के लक्षणों पर ध्यान दें। अगर आपको कभी भी सांस लेने में तकलीफ आए तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। अगर आपका ऑक्सीजन का स्तर कभी भी 95 के नीचे आता है तो आपको तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ध्यान रखें कि बाथरूम और शौचालय को आप इस्तेमाल के बाद अच्छे से सैनिटाइज करें। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके बाद दूसरे लोग भी उसे इस्तेमाल करेंगे। उनका संक्रमण का खतरा नीचे करने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो सबके इस्तेमाल के बाद ही आप बाथरूम का उपयोग करें। अगर आपकी तबीयत बहुत ख़राब है और आप खुद से सफाई नहीं बरत पा रहे हैं, तो घर के किसी दूसरे सदस्य को मास्क पहनकर अच्छे से साफ करने दें। कोविड के दौरान अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी मुश्किल हो तो बिना झिझक के फौरन अपने घर वालों को या डॉक्टर को सूचित करें, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकती है। ये वीडियो द क्विंट के कोविड-19 और वैक्सीन पर आधारित फैक्ट चेक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो खासतौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और आसाम राज्यों की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। हम इस काम को जारी रख सके इसलिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। मास्क पहनें, 2 गज दूरी रखें, हाथों को साफ रखें, टीका लगवाएं और सुरक्षित रहें।